बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स। हैरी पॉटर जो अब जादुई दुनिया में नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया में है, वहाँ पर कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। उसकी आंट का बेटा यानी कि उसका कज़न भी उनके साथ होता है और तभी चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। हैरी पॉटर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपने कज़न के साथ इस जगह से भागकर एक जगह छुप जाता है और तभी एज़्काबान के गार्ड्स यानी कि डिमेंटर्स वहाँ पर आते हैं। वो हैरी पॉटर के ऊपर हमला करने लगते हैं लेकिन हैरी पॉटर एक मंत्र बोलता है जिससे वो वहाँ से भाग जाते हैं। हैरी पॉटर अपने घर आता है और उसे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक की तरफ से एक लेटर आता है। उसे बताया जाता है कि अभी वो 18 साल का नहीं हुआ और 18 साल से पहले कोई भी जादू का इस्तेमाल बाहरी दुनिया में नहीं कर सकता। हैरी पॉटर ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। रात को जब वो अपने कमरे में होता है तो उसके कमरे में मूडी और उसके कुछ और दोस्त आते हैं जो हैरी पॉटर को इस जगह से उड़ने वाली झाड़ू में निकाल कर ले जाते हैं। ये सब के सब फिनिक्स के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं जो कि एक इमारत की बिल्डिंग में होता है। ये छुपा हुआ एक हेडक्वार्टर है। हैरी पॉटर जब अंदर जाता है तो यहाँ पर वो सीरियस ब्लैक को देखता है जो कि हैरी पॉटर का गॉडफादर है। यहाँ पर वो अपनी दोस्त हरमाइनी से और रॉन वीजली से मिलता है जिनसे मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। अब ब्लैक हैरी पॉटर को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो अपनी एक आर्मी बना रहा है और एक ऐसे हथियार को ढूंढ रहा है जो पहले उसके पास नहीं था। अब अगले दिन हैरी पॉटर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक जाता है जहाँ पर उसके केस की सुनवाई होनी है। हेडमास्टर डंबलडोर उसकी तरफ से लड़ते हैं और वो सबको कहते हैं कि हालांकि हैरी पॉटर अभी 18 साल का नहीं हुआ लेकिन उसने बचाओ मंत्र का इस्तेमाल किया है जो 18 साल से कम के बच्चे भी कर सकते हैं उस अवस्था में जब उनकी जान जाने का खतरा हो। सब ये मान जाते हैं कि हैरी पॉटर ने कोई गलती नहीं की और उसे केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है यानी कि उसे स्कूल से नहीं निकाला जाता। अब हैरी पॉटर जादूगरी के स्कूल हॉगवर्ट्स जाने के लिए स्टेशन पहुंचता है जहां पर उसे एक विजन आता है जिसमें वो वोल्डेमॉर्ट को देखता है लेकिन असल में वोल्डेमॉर्ट वहां पर नहीं होता। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद हैरी पॉटर और उसके साथियों को पता चलता है कि इस साल उनका दोस्त हैग्रिड यहां पर नहीं पढ़ाएगा और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की जो नई प्रोफेसर है उसका नाम है एम्ब्रिज। एम्ब्रिज यहां क्लास लेती है जहां पर वो सबको किताबी नॉलेज देती है लेकिन वो प्रैक्टिकली किसी को कुछ नहीं सिखाती। इस पर हैरी पॉटर उसे कहता है कि इस दुनिया के बाहर बहुत खतरा है और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है और एम्ब्रिज कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर की दुनिया में कोई खतरा नहीं है। हैरी पॉटर झूठ बोल रहा है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसीलिए वो हैरी पॉटर को अपने ऑफिस में बुलाती है और अपने एक जादुई पंख से उसे एक पेपर पर आई मस्ट नॉट टेल लाइज लिखने को कहती है और हैरी पॉटर जब वो पेपर पर लिखता है तो वही चीज उसके हाथ में भी गुदना शुरू हो जाती है जिससे हैरी पॉटर को बहुत दर्द होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हैरी पॉटर बहुत से मेंटल ट्रूमा से गुजरा है इसीलिए वो उस दर्द को सह लेता है क्योंकि इससे बड़े बड़े दर्द उसके दिल और दिमाग में होते हैं। वहीं रॉन वीजली और हरमाइनी हैरी पॉटर के हाथ में उस घाव के निशान को देख लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें हेडमास्टर डंबलडोर से इसकी शिकायत करनी चाहिए लेकिन हैरी पॉटर मना कर देता है क्योंकि अब हेडमास्टर डंबलडोर ने उससे कुछ दूरियां बना ली हैं। हैरी पॉटर को बहुत अकेला फील होता है लेकिन अब इन्हें मंत्रों को भी सीखना होगा तभी अपने आप को बाहरी दुनिया के खतरे से बचा सकते हैं। जैसा कि हैरी पॉटर ने कहा था कि बाहरी दुनिया में खतरा है, दरअसल उसका इशारा वोल्डेमॉर्ट की तरफ था। उसके कहने का मतलब था कि वोल्डेमॉर्ट लौट चुका है। इसीलिए हरमाइनी, हैरी पॉटर और रॉन वीजली मिलकर खुद का अपना एक ग्रुप बनाते हैं जहां पर रक्षा के मंत्रों की प्रैक्टिस करेंगे। ये अपने ग्रुप का नाम रखते हैं डंबलडोर्स आर्मी और अब इन्हें कमरा मिल जाता है जहां पर हॉगवर्ट्स स्कूल से छुपकर अपने मंत्रों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनका टीचर होता है हैरी। वहां पर ये मंत्रों की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। उसी रात को हैरी को एक बहुत ही भयानक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि रॉन वीजली के फादर आर्थर वीजली पर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में वोल्डेमॉर्ट ने हमला करवाया है और ये वो सब हमलावर की नजरों से देखता है और डर कर जाग जाता है। तभी यहाँ पर रॉन वीजली और प्रोफेसर मैकगोनिगल आती है जो हैरी पॉटर को हेडमास्टर डंबलडोर के पास ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हैरी पॉटर ने जिस तरह से सपना देखा था वो सच था। आर्थर वीजली पर सच में हमला हुआ है। हेडमास्टर डंबलडोर ये भी समझ जाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर से जो उसके दिमाग का कनेक्शन है उसका गलत फायदा उठा रहा है जिससे हैरी पॉटर को निकालना होगा। इसीलिए प्रोफेसर स्नेप को कहते हैं कि तुम्हें हैरी पॉटर को उन मंत्रों को सिखाना होगा जिससे वो अपने दिमाग को वोल्डेमॉर्ट के प्रभाव से बचा सके और अब प्रोफेसर स्नेप उसे अपने साथ ले जाते हैं और बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट का और उसके दिमाग का आपस में कनेक्शन है जिसका वोल्डेमॉर्ट गलत इस्तेमाल कर सके।
सकता है, वो तुम्हें पागल भी कर सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को बंद करना सीखना होगा, जिसे ऑक्लुमेंसी कहते हैं। मैं तुम्हारे दिमाग में घुसने की, झांकने की कोशिश करूंगा, जिसे लेजिमनेंसी कहते हैं। और इसके बाद प्रोफेसर स्नेप उसके दिमाग में झांकना शुरू करते हैं, लेकिन हैरी पॉटर चाहकर भी अपना दिमाग बंद नहीं कर पाता। वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं पा पाता, जो हैरी पॉटर के दिमाग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी तरह जब प्रोफेसर स्नेप अगली क्लास में हैरी पॉटर को सिखा रहे होते हैं, वो उसके पिता को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। और जब वो हैरी पॉटर के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं, तो हैरी पॉटर उल्टा उनके ही दिमाग में झांकना शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो हैरी पॉटर के पिता के साथ ही पढ़ा करते थे। और हैरी पॉटर के पिता प्रोफेसर स्नेप को बहुत परेशान करते थे। हैरी पॉटर की सर्कस से प्रोफेसर स्नेप को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। वो उसे क्लास से निकाल देते हैं। हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट के दिमाग के बीच में जो कनेक्शन है, उससे हैरी पॉटर को बहुत अजीब अजीब विजन्स आते हैं, जिस वजह से हैरी पॉटर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है और वो अपने दोस्तों से भी अलग हो जाता है। वहीं अब न्यूज आती है कि एज़्काबान जेल से बेलेट्रिक्स और डेथ ईटर के साथ बहुत सारे कैदी भाग गए हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है। वहीं एम्ब्रिज को दिखाया जाता है, जिसे शक है कि हैरी पॉटर और बाकी स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं। इसीलिए नाग शक्ति के कुछ स्टूडेंट्स को अपॉइंट करती है कि वो हैरी पॉटर और उसके ग्रुप की इंक्वायरी करें। अब जब हैरी पॉटर अपने साथियों के साथ उस कमरे में जहां पर वो जादू की कलाएं सीखते हैं, वहां पर होते हैं, तभी वहां पर एम्ब्रिज, जो जिसे हैरी पॉटर पसंद करता है, इन दोनों के बीच में प्यार है, उसके साथ और कुछ और स्टूडेंट्स के साथ आ जाती है। वो दीवार तोड़ देती है और सबको रंगे हाथ पकड़ लेती है। अम्ब्रिज मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से फज को भी बुलाती है, जो कि वहां का हेड होता है और वो हैरी पॉटर के खिलाफ होता है। अब ये सब के सब जाते हैं डंबलडोर के पास, लेकिन डंबलडोर ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वो कहता है कि उसी की परमिशन से सब कुछ हुआ था। इसीलिए हेडमास्टर डंबलडोर को उनके पद से निकाल दिया जाता है और उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है कि उनके ऊपर एज़्काबान में केस चलेगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, डंबलडोर अपने फिनिक्स पक्षी की मदद से यहां से गायब हो जाते हैं। हेडमास्टर डंबलडोर के जाने के बाद एम्ब्रिज को स्कूल का नया हेडमास्टर बना दिया जाता है, जो सभी की क्लासेस में जाकर सबको डिस्टर्ब करती है, इंटरफेयर करती है। वही हैरी पॉटर चो से दूर हो जाता है, क्योंकि हैरी पॉटर को विश्वास है कि चो ने ही उनके ग्रुप के बारे में एम्ब्रिज को बताया था, जिस वजह से उनका ग्रुप खत्म हो गया। साथ ही हेडमास्टर डंबलडोर को भी उनके पद से निकाल दिया गया। वहीं अब हैरी पॉटर को एक और विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि सीरियस ब्लैक को, जो कि उसके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे और उसके गॉडफादर हैं, उन्हें रहस्यमय विभाग में वोल्डेमॉर्ट ने पकड़ लिया है और उन्हें टॉर्चर कर रहा है। इस बात से हैरी पॉटर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो सीरियस ब्लैक को बचाना चाहता है। हैरी पॉटर के साथ हरमाइनी और रॉन भी होते हैं, वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन हैरी पॉटर नहीं मानता। वो लंदन रहस्यमय विभाग में जाकर ब्लैक को बचाना चाहता है। हरमाइनी कहती है कि एम्ब्रिज के कमरे में एक चिमनी है, जिससे हम डायरेक्ट लंदन यानी कि रहस्यमय विभाग में पहुंच सकते हैं। और अभी तीनों के तीनों एम्ब्रिज के कमरे में पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि ये उस चिमनी से लंदन तक पहुंचते, यहां पर एम्ब्रिज आ जाती है और इन सबको पकड़ लेती है। और अब वो हैरी पॉटर से पूछती है कि वो कहां जा रहा था। हैरी पॉटर उसे कुछ भी नहीं बताता, वो हैरी पॉटर को टॉर्चर करना चाहती है। और तभी हरमाइनी कहती है कि हम फॉरबिडन जंगल जा रहे थे, जहां पर हेडमास्टर डंबलडोर ने अपने सीक्रेट वेपन को छुपा रखा है। दरअसल हरमाइनी हैरी पॉटर को बचाने के लिए झूठ कह देती है। और अब एम्ब्रिज इन तीनों के साथ फॉरबिडन जंगल पहुंच जाती है, जो बहुत ही भयानक होता है। दरअसल यहां पर हैग्रिड का एक हाफ ब्लड भाई रहता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा दैत्य है। ये उसे उसके पास ले जा रहे होते, पर जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां पर हैग्रिड का भाई नहीं होता। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। ठीक उसी वक्त वहां पर सेंटोर्स आ जाते हैं, जो पहले से मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से नाराज हैं, क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं। एम्ब्रिज, जो कि अब हेडमास्टर है, उसके अंदर बहुत गुरूर होता है। वो उन सबकी इंसल्ट करती है और उन पर हमला भी करती है, जिससे सेंटोर्स को गुस्सा आता है और वो एम्ब्रिज को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि उसे बंदी बना लिया गया है। वहीं अभी स्कूल वापस आ जाते हैं, जहां पर इन्हें इनके और भी दोस्त मिलते हैं। और इन्हीं के एक दोस्त के सजेशन पे ये सब के सब थ्रस्टर्स पर बैठकर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें वोल्डेमॉर्ट से ब्लैक को बचाना है। मिनिस्ट्री के अंदर जाने के बाद इन्हें उस जगह पर, जिस जगह का हैरी पॉटर को विजन आया था, वहां पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन यहां पर हैरी पॉटर को एक क्रिस्टल बॉल मिलती है। इस बॉल को वोल्डेमॉर्ट हासिल करना चाहता है। इस पर हैरी पॉटर के नाम से एक भविष्यवाणी लिखी होती है। हैरी पॉटर इस बॉल को पकड़ लेता है और तभी यहां पर लूसियस मैलफॉय और बेलेट्रिक्स, जो जेल से भागी है, और साथ ही डेथ ईटर, जो उसी के साथ जेल से भागे थे, सब के सब आ जाते हैं। वो हैरी पॉटर से उस क्रिस्टल बॉल को मांगते हैं। हैरी पॉटर उन्हें बॉल देने से मना कर देता और इन पर हमला करता है और यहां से अपने साथियों के साथ निकल
निकलकर एक दूसरी जगह पहुंच जाता है, लेकिन ये सब उनका पीछा करते हुए उस जगह भी पहुंच जाते हैं और हैरी पॉटर के सभी दोस्तों को पकड़ लिया जाता है। अब लूसियस मैलफॉय हैरी पॉटर से कहता है कि अगर तुमने ये क्रिस्टल बॉल जिसके ऊपर भविष्यवाणी लिखी हुई है वो मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मरवा दूंगा। ना चाहते हुए भी हैरी पॉटर को वो क्रिस्टल बॉल उसे देनी पड़ती है। दरअसल हैरी पॉटर को यहां तक लाया गया है क्योंकि इस क्रिस्टल बॉल को जिस पर भविष्यवाणी लिखी हुई है जो वोल्डेमॉर्ट हासिल करना चाहता है इसे वही हासिल कर सकता था जिसका नाम इस पर लिखा हुआ है और इस पर हैरी पॉटर का नाम होता है। अब इससे पहले कि लूसियस मैलफॉय इस क्रिस्टल बॉल को लेकर यहां से निकलता, यहां पर आर्मी और फिनिक्स आ जाती है जो कि डंबलडोर की आर्मी है और इसमें ब्लैक भी होता है। सीरियस ब्लैक लूसियस मैलफॉय पर हमला करता है जिससे उसके हाथ से क्रिस्टल बॉल गिर जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वहीं बेलेट्रिक्स जो जेल से भागकर यहां पर आई है वो डेथ कर्स का मंत्र सीरियस ब्लैक के ऊपर पड़ती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से हैरी पॉटर को बहुत गुस्सा आता है, वो बेलेट्रिक्स की तरफ बढ़ता है और जब वो उस पर अपना मंत्र पढ़ने वाला होता है कि तभी वोल्डेमॉर्ट की आवाज आती है जो हैरी पॉटर से कहती है कि इसने सीरियस ब्लैक को मारा, तुम इसे मार दो। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट वहां पर अपीयर हो जाता है और इससे पहले कि वो हैरी पॉटर को मारता यहां पर हेडमास्टर डंबलडोर आ जाते हैं। वोल्डेमॉर्ट और उनके बीच में फाइट होती है, वो डंबलडोर के ऊपर बहुत सारे हमले करता है लेकिन डंबलडोर उसके सभी हमलों से बच जाते हैं और अब वोल्डेमॉर्ट खुद हैरी पॉटर के अंदर अपना वास कर लेता है, यानी कि वो उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है कि डंबलडोर उसे मारने के लिए हैरी पॉटर को मार दे। हैरी पॉटर अपने वश में नहीं होता। तभी हैरी पॉटर को वो कथन, वो भविष्यवाणी याद आती है जो उस क्रिस्टल बॉल में थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वही जीतेगा जिसके पास प्यार की शक्ति होगी। और अब हैरी पॉटर अपने दोस्तों का और अपने माता पिता का प्यार महसूस करता है और जैसे ही वो प्यार को महसूस करता है वोल्डेमॉर्ट को ना चाहते हुए भी उसके शरीर से बाहर निकलना पड़ता है। और इससे पहले कि वोल्डेमॉर्ट यहां से डिसअपीयर होता यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के लोग आ जाते हैं जो वोल्डेमॉर्ट को देख लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट के बारे में जो कुछ कहता था कि स्कूल के बाहर हमें खतरा है, वोल्डेमॉर्ट हमारी जान ले सकता है, वो सब कुछ सच था और डंबलडोर के खिलाफ जितनी भी साजिश हुई है वो वोल्डेमॉर्ट और उसके साथियों ने की है। डंबलडोर को वापस हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर बना दिया जाता है। हेडमास्टर बनने के बाद हैरी पॉटर डंबलडोर से मिलने के लिए जाता है। डंबलडोर उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें वोल्डेमॉर्ट से प्रोटेक्ट करना चाहता था, मैं चाहता था कि उसका ध्यान तुम पर ना जाए, इसीलिए मैंने तुमसे दूरियां बना ली थी। हैरी पॉटर कहता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक जो मैंने क्रिस्टल बॉल में देखी थी उसमें था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि मुझमें और वोल्डेमॉर्ट में से एक ही जिंदा रह सकता है। हेडमास्टर डंबलडोर कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम्हारे पास प्यार की शक्ति है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक और साल खत्म हो जाता है और सभी अब हॉगवर्ट्स से अपने अपने घर जा रहे हैं। हैरी अब पहले की तरह अपने दोस्तों से क्लोज हो गया है क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि दोस्ती और प्यार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इस फिल्म के बाकी सभी पार्ट्स के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। इस मूवी का बजट था 150 टू 200 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 943 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।